अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इन दिस लेसन वी आर गोना टॉक अबाउट के एनालिटिक्स जो सी हैं वो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद गिग के अंदर गिग्स के इम्प्रेशंस और क्लिक्स ये किस तरह देख सकते हैं और इन सब चीज़ों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स गो इन दी एनालिटिक्स। एज यू आर सीइंग माई प्रोफाइल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, इसके अंदर एनालिटिक्स हैं और इसके अंदर आपको शो हो रहा है कि मेरी अर्निंग्स कितनी जा रही हैं, उसके बाद आपको शो हो रहा है कि मैंने कंप्लीट कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं, उसके बाद अर्नड इन मार्च आपको शो हो रहा होगा, एवरेज सेलिंग प्राइस शो हो रही होगी एंड अर्निंग शो हो रही होगी, एंड नीचे एक ग्राफ है और दिस इज़ ऑल दैट इज़ अवेलेबल इन दी एनालिटिक्स। आप इधर से अपना एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस मंथ के अंदर कितनी अर्निंग की है, कितने ऑर्डर्स कम्प्लीट किए हैं, फिर उसके बाद अर्निंग के बाद मैंने क्या एवरेज सेलिंग मेरी क्या जा रही है और मेरा ग्राफ किस तरह का बन रहा है। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस सेक्शन के ऊपर भी एक नज़र रखें कि मेरे ऑर्डर्स ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहे, मेरा ग्राफ कौन सा वो नीचे तो नहीं जा रहा, इज़ इट गोइंग अप और डाउन। आप गिग्स के सेक्शन के अंदर जाते हैं तो आई विल शो यू कि क्या इधर चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दीज ऑल आर द गिग्स जो कि मैंने रिसेंटली बनाई हैं और आप देखें कि इम्प्रेशंस के अंदर के कितनी दफ़ा मेरी गिग जो सी है वो लोगों के सामने गई है। रिसेंटली वी हैव क्रिएटेड दिस फॉर दिस गिग, मेक अ कस्टम लोगो इंट्रो एंड आउट्रो एनिमेशन, अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर योर प्रोडक्ट, इसके अंदर 57 इम्प्रेशंस एंड वन क्लिक भी आया। फिर उसके बाद डू वेबसाइट प्रमोशनल वीडियोस, ये भी मैंने रिसेंटली बनाई थी, 48 इसके ऊपर इम्प्रेशंस आए हैं। आगे देखें, क्रिएट अ कस्टम शॉर्ट वीडियो एड फॉर योर ब्रांड, 200 इम्प्रेशंस आए हैं। दीज आर ऑल दी गिग्स जो कि मेरे इसी वीक के अंदर बनी है और यू कैन सी द रिजल्ट। मैंने यही सारा कुछ अप्लाई किया जो कि मैंने आपको बताया, तो आप देखें कि फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है, इम्प्रेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप ये चीज़ें माइंड में रखें और ये वाली चीज़ें आप देखें। अगर आपके इम्प्रेशंस नहीं आ रहे, आपके क्लिक्स नहीं आ रहे, सो यू हैव टू वर्क ऑन के आपका SEO नहीं सही हुआ हुआ, आपने कुछ वर्ड्स चेंज करने, आपने टाइटल के अंदर या कुछ वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, आपको पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी, आपको वीडियो चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस, आपने डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करने, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी, डिस्क्रिप्शन के अंदर SEO जो उनसे वर्ड्स हैं कीवर्ड्स उनको डिफरेंट चेंज करना है, उसके बाद इमेज को चेंज करना है, थंबनेल को चेंज करना है, वीडियो को चेंज करना है। सो यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस और डेफिनेटली यू आर गोना रैंक ऑन द फर्स्ट पेज और काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। हियर इज अ क्विक हैक एज वेल, आई ऑल्सो हैव यूज दिस, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, बट फॉर दिस यू नीड सम ऑफ द अमाउंट एट द स्टार्ट। इसके लिए क्या है कि आप रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, फैमिली फ्रेंड से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको पैसे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैव प्लेस्ड अ गिग ऑफ $5 और मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर रिव्यूज़ आने लग जाएँ, ऑर्डर्स आने लग जाएँ मेरे पास, तो आप क्या करें कि आपने अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को पैसे देने $5 या $7 या $10 और कहना है कि मुझे आके फाइवर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करें। योर मेंबर विल बी प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन फाइवर, आपने कंप्लीट करके उसी गेटवे के थ्रू, फाइवर के थ्रू ही उसको देना है और पेमेंट रिसीव करनी है। सो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो उनसी गिग है ये एक रिव्यू के अंदर आ जाएगी, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप तकरीबन 10 से 12 दफ़ा करें ताकि आपको कोई भी बायर आपको अप्रोच करता है तो उसको होगा कि इसने ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ये स्टार्ट हुआ हुआ है, इसकी रेटिंग भी अच्छी जा रही है, 5 स्टार जा रहा है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, इसके क्लाइंट्स हैप्पी जा रहे हैं और इसने स्टार्ट किए हुए, इसकी अर्निंग भी स्टार्टेड है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये क्विक हैक है, अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ पैसे लगाएं, रिव्यूज़ लें अपने मेम्बर्स से और उसके बाद आप 10-12 के बाद डेफिनेटली यू आर गोना गेट और आप इससे अर्निंग ज़्यादा क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट वाज जस्ट अ क्विक हैक, मैंने सोचा आपको बताऊं ताकि इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दिस एज वेल यू कैन गो विद दैट, अदरवाइज जो सी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं अगर आप उसके भी फॉलो करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं विद इन 5 to 6 months
आप काफ़ी ज़्यादा इससे अर्निंग करें। इन द नेक्स्ट लेसन मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ जो कि टॉप सेलर्स के होते हैं, जिनको आप यूज़ करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई गारंटी अगर आप उन फॉर्मूलाज के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोना बी अ टॉप सेलर विद इन 1 ईयर। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, जिसके अंदर मैं आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ, तो आप अगर उन सीक्रेट्स को अप्लाई करेंगे अपनी किक के ऊपर, यू आर गोना हैव रियली ग्रेट सक्सेस इन दिस प्लेटफॉर्म। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।